सांप है। क्या है? सांप है। सांप है? हाँ तो हांगकांग भाई ये मार्केट है। ठीक है ऐसा कुछ यहाँ पे चल भाई एरिया। सूखी मच्छी तो सो ही गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो फाइनल गाइस एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ दोबारा मैं आपके साथ आ गया हूँ गाइस। तो गाइस मैं हूँ अभी हांगकांग मार्केट के पास, मतलब जो दीमापुर के अंदर पड़ता है नागालैंड। ठीक है तो यहाँ पे सिर्फ गाड़ी गाड़ी भाई पूरी हर जगह ज़्यादातर कपड़े उपड़ों की मार्केट है। ये देखो हांगकांग भाई, यहाँ पे हर तरह का सामान मिलेगा आपको ए टू जेड। तो यहाँ पे गर्म कपड़े, अभी यहाँ पे तो गर्मी वर्मी लगी नहीं थी पूरा। और यहाँ पे गैस चूल्हा में कैंपिंग का सामान ढूंढ रहे थे। तो ये स्वीट कॉर्न बोल रहा है, स्वीट कॉर्न मम्मी बनाती है मसाला। हाँ ये हाँ इसके अंदर वो डालते हैं सब चीज़ें अलग नहीं। यहाँ पे सिम मम्मी जो बता रहा था। तो गैस यहाँ पे हर तरह का सामान आपको मिलेगा कपड़े से लेके। और यहाँ पे हम कैंपिंग का सामान ढूंढ रहे थे, हमें सिलेंडर की जरूरत पड़ी थी, सिलेंडर भी लिया था ना हमने। तो दो सिलेंडर हमने लिया कैंपिंग का, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। ठीक है और ये हाँ तो हांगकांग भाई ये मार्केट है। ठीक है ऐसा कुछ यहाँ पे चल भाई एरिया है कुछ। और ये मॉल वॉल है, पहली बार देख रहा हूँ यहाँ का मॉल। अभी हम कपड़ों की मार्केट में, और जो चीज़ हम दिखाएंगे ना वो आपको अलग ही हटके मिलेगा, वो आपको बाद में बताएंगे भाई क्या दिखाना हमें। मैंने थोड़ी देर पे आगे जाने मतलब ये दीमापुर रेलवे स्टेशन थोड़ा सा ऊपर पहुँचे तो हमने ये मालगाड़ी देखी भाई। आज पहली बार देख रहा हूँ कि हमारे देश में इतना सारा अनाज भाई यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, इधर से उधर होता है। पूरी गाड़ियाँ लगी भरी पड़ी है भाई, पता नहीं इसमें क्या क्या दाल चावल गेहूँ क्या क्या भरा पड़ा है यार, मानना पड़ेगा। यहाँ से देखो ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो कितने सारे लेबर लगे पड़े हैं, पूरी ट्रक भरी है, भरी भर गई है, ये भी भर गई है। अब ये नहीं पता इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बट है अनाज ही सारे। और इस तरफ भी ऐसा कुछ है, ओ भाई पूरा ठूसम ठूस होगा, पूरा मालगाड़ी भरा पड़ा। ओ भाई जितनी लंबी ना, मतलब कम से कम मालगाड़ी कितनी डिब्बी होती है वैसे, 43-40-50 होता होगा ना, 50 के आसपास डिब्बी होती है ना। ओ भाई जहाँ तक देखो वहाँ तक है पूरी, वहाँ कुछ पता ही नहीं चला कितना दूर है डब्बा, और सब में अनाज भरा पड़ा है भाई, मानना पड़ेगा भाई इंडिया ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ क्या ग्रोथ कर ही रहे हैं, वह करना भी चाहिए। फाइनली हम आ चुके हैं न्यू मार्केट के अंदर, और न्यू मार्केट हम आपको दिखाएंगे। ऊपर इसके ऊपर मॉल है, पार्किंग एरिया है शायद ऊपर कुछ, और नीचे कुछ और है तो हमें कुछ पता नहीं है। अभी अंदर जाके पता चलेगा कि क्या चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पर सिर्फ दिख रही है आपको बर्तनें दिख रही हैं, हांडियाँ दिख रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी हांडियाँ जिसमें भाई बिरयानी बनती होंगी। यहाँ पे सब्जी पूरी मंडी लग रही है, सब्जियों की मंडी। ओ भाई अलग ही मंडी यहाँ पे थे। यहाँ देख ओ भाई क्या रेट है, कैसे ओ भाई 50 रुपये फीस, सारे लेडीज है कोई भी हो। कपड़ों की मार्केट पूरा ऐसा लग रहा है गांधीनगर मार्केट में आ चुके हैं, जो दिल्ली में पड़ती है ऐसी ही मार्केट है। इस गांधीनगर में आपको ऐसी तरह की गाड़ी मार्केट मिलेगी। भाई लड़की के कपड़े पहुँच जाते हैं, कैप हैं 20 रुपये। कोट 50 रुपये में कोट। सूखी मच्छी अमेजिंग, सूखी मच्छी है सर। ये कौन सी मच्छी है, गमला? ओ वाओ इधर भी सूखी मच्छी है, सूखा के बना रखा है।
सूखी मिर्ची है सर। ये क्या है? ये वाला क्या है? ये बड़े वाला सांप है? क्या है? सांप है ये। सांप है? सांप वाली मछली है, वो वाली सांप वाला मछली नहीं होता है वो। हाँ हाँ, लंबे वाला जो ऐसे चलता है, समझ गया मैं। स्नैक तक कर रहे हैं। जिंदी मच्छी नहीं है, सूखी मच्छी है। सूखी सूखी मच्छियों की मार्केट, सूखी मच्छियों की मार्केट। वहाँ कितने बड़े बड़े मछली हैं। उबे इधर देख, इधर देख, पूरा स्नैक जैसा मछली है। स्नैक सांप, बड़ा हड्डी है, बड़ी देर है, पूरी रीढ़ की हड्डी है। गाइस आपने देखा, सूखी मतलब पूरी मच्छी मार्केट के अंदर आ चुके हैं। बस अभी सूखी सूखी मच्छियाँ मिल रही हैं यहाँ पे बहुत सारी। ये देखो सूखी मच्छी यहाँ पे, अमेजिंग। ये देखो स्नैक, स्नैक मछली। सूखी मच्छी भाई, मज़ा आ रहा देखने में। ये है अलग अलग वैरायटी भाई, अलग अलग अंडे देखे मैंने, देखो ये सब देसी अंडे हैं। How long you go? कहाँ तक जा रहे हैं आप? कहाँ तक जा रहे हैं? बहुत दूर नहीं जाएगा, तो 4 या 5 किलोमीटर का हमें लिफ्ट मिला है। मतलब वहाँ से भी देखते कोयमे की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है फाइनली। तो भाई मैंने लाइट दिया, मुझे लगा भाई रोकेगा नहीं रोकेगा, भाई देखते हैं भाई की ट्राई करते हैं। तो भाई ने देखा ही दूर से ही समझ गए भाई ट्रैवलर हैं, तो उन्होंने रोक दिया यार। जो समझते हैं ना वो समझ जाते हैं ट्रैवलर ब्लॉगर वाले घूम रहे हैं इस तरह से। तो भाई रोक दिया भाई ने, तो भाई थैंक यू वेरी मच भाई आपसे। कोई बात नहीं, तो भाई देखते भाई कहाँ तक हमें छोड़ते हैं, 4-5 किलोमीटर का सफर है, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें कौन सा लिफ्ट मिलता है, फिर मैं आपको मिलता हूँ। अच्छा लगा आपको भाई? फाइनली भाई ने यहाँ तक हमें छोड़ा, 5 से 7 किलोमीटर यहाँ पे छोड़ दिया। तो थैंक यू वेरी मच भाई, एंड नाइस टू मीट यू, थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू सो मच। तो भाई ने यहाँ तक छोड़ दिया उनकी गाड़ी, यहाँ से हम कोयमा की तरफ रास्ता जाएंगे, यहाँ से लिफ्ट देखते हैं यहाँ से कौन सी मिलती है। थैंक यू वेरी मच। सेफ जर्नी। हाँ यार थैंक यू, मिलेगा। कौन कहता है कि जिंदगी एक बार मिलती है, मौत एक बार मिलती है, जिंदगी रोज सुबह मिलती है। जीने का तरीका आना चाहिए बस। Every morning is beautiful. तो finally guys हमें एक lift मिल गई है यहाँ से जाने के लिए। कैसा लग रहा भाई नितेश भाई? भाई मजा आ रहा, और ये वाला जो experience है ना पूरे में travel करने के लिए, मजा हर जगह नहीं मिलता। देखा कोई मैं यहाँ से 54 किलोमीटर है फालतू यहाँ से। वो बंदा भी देख के क्यों गया, वो बंदा कैसे कर लेते हैं फॉलीवुड का, हमने कैसे ले लिया, लोग दे देते हैं फ्रेंडली ऐसे ही बहुत ज़्यादा। दशरथ मांझी वाला रोड जैसा लग रहा है, रोड काट के बनाया गया, पूरा रोड जैसा लग रहा है।
और भाई सही में रोड को काट रहा बड़े नीचे यहाँ के कोई नहीं ट्राई करेंगे भाई रोड सही में इन्होंने काट के बनाया वो तो सो ही गाइस कैसे हैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस तो गाइस मैं हूँ अभी कोहिमा के अंदर ठीक है तो अभी हमने यहाँ पे गुरुद्वारा था गुरुद्वारा में हमने रात पर स्टे किया था गाइस ठीक है तो हमें रात में यहाँ मान लीजिए 6:30 बज गए थे अभी यहाँ पे पहुँचते मतलब दीमापुर से यहाँ पहुँचते गाइस ठीक है तो रात हो गई थी ज़्यादा यहाँ पर रात जल्दी हो जाती है तो हमें कैंपिंग का कहीं जगह नहीं मिला क्योंकि दिन होता तो भाई 3-4 बजे होता तो हम कहीं पे कैंपिंग कर सकते थे तो हमें गुरुद्वारा देखा ठीक है हम गुरुद्वारे वहीं बट गुरुद्वारा बंद हो चुका था कैसे भी करके हमने पाजी से बात करी ये करी बताई तो हम यहाँ पे रुके क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते हैं ठीक है और नागालैंड के अंदर हूँ ठीक है तो ऐसा कुछ है यहाँ पे और हमने यहाँ पे कैंपिंग करी थी ये कैंपिंग इसके अंदर हमने लगाई थी यहाँ पे अंदर लगाई थी यहाँ पे इसके अंदर ठीक है तो उस पाजी जी को कहीं पे जाना था अर्जेंट था तो उन्होंने बोला कि 6 बजे के बाद आप यहाँ से मतलब चले जाना यहाँ पे मतलब यहाँ से निकल जाना ठीक है तो बोला कोई नहीं तो उन्होंने यहाँ पे लॉक लगा दिया हमने सामान यहाँ रख दिया पैकिंग करते हैं फिर यहाँ से हम चले जाएंगे नीतीश भाई यहाँ पैकिंग कर रहे हैं और मेरा सामान ऐसे फैला हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे अच्छा खासा धूप निकल रहा है अभी सुबह के टाइम भाई टेम्परेचर माइनस मतलब मान लीजिए 6 डिग्री के आसपास हो जाता है ना 6-4 डिग्री के आसपास हो जाते हैं 2-3 डिग्री के आसपास अभी हो रहा है दिन में बढ़ेगा हाँ दिन में बढ़ेगा दिन में बढ़ जाता है ठीक है अभी धूप निकल रही है तो आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे भी धूप निकल रही है देखो धूप निकल रही है तो अभी है अभी बाहर चलाई है तो मौसम अच्छा खासा मिलेगा और आज का हमारा प्लान ये है कि आज देखते हैं कोहिमा घूमेंगे कोहिमा घूमने के बाद फिर उसके बाद जाएंगे हम उस तरफ डुजुकी वैली ठीक है वो चीज़ हम एक्सप्लोर कराएंगे देखेंगे जो भी होगा वो आपको पता ही चलते रहेगा कैमरे करना भाई अब जी पता चल ही जाएगा आपको ठीक है तो बस यही बताना था अपडेट देना था कि हमने कैंपिंग कहाँ करी थी रात में स्टे कहाँ किया था ये हमने दिखा दिया कोहिमा में गुरुद्वारा पड़ता है वहाँ पे हमने स्टे किया कभी भी आप फ्यूचर में अभी आते हैं यहाँ पे तो आप यहाँ पे कर सकते हो पर एक बात यह है कि आप कभी भी आओ थोड़ा जल्दी आओ ठीक है हाँ रात में मत आना क्योंकि जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि हमने वहाँ पे हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी जिस पर हमने लिफ्ट मांगा था तो उनकी गाड़ी की मतलब टायर पंचर कुछ हो गया तो वो नए टायर लगा रहे थे तो उसमें हमारा 1 से 1.5 घंटा चला गया था तो वो टाइम बच गया होता तो कैसे हम यहाँ पे कब का यहाँ पे अच्छी दूसरी जगह में यहाँ पे कैंपिंग किए हुए थे तो या इस जगह ये गुरुद्वारे में हम कैंपिंग नहीं किए होते कहीं और ही करते ठीक है तो सुबह उठे पाजी ने हमें आने दिया चाय बनाया तो हमने चाय पिया चाय पे हम पैकिंग कर रहे हैं फिर यहाँ से ठीक है तो मिलते हैं हमें आपको आगे अब्दुल्ला